हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी स्नैक्स की रेसिपी। तो इस स्नैक्स को हमने बस दो आलूओं से ही बनाया है, कच्चे आलूओं से। तो चलिए इसको हम फटाफट देख लेते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक टेस्टी सा चटनी बना लेंगे। तो यह हमने आधा कप मूंगफली दाने को भून के ले लिया है, इसके छिलके को निकाल के, और दो हरी मिर्च, आधा इंच अदरक ले लिया है, और एक मुट्ठी हमने हरा धनिया ले लिया है, आधा चम्मच जीरा ले लिया है, और नमक स्वादानुसार ले लें, और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसमें। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है स्नैक्स के साथ। और अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी हमारी रेडी हो गई, बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के रेडी हुई है। चलिए इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं और अब चलिए नाश्ता रेडी कर लेते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 आलू ले लिए हैं, ये हमने कच्चे 2 आलू लिए हैं, इसको पील कर लेना है। दोनों आलूओं को हम अच्छे से छील लेंगे। ये नाश्ता आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा, वाकई में बहुत ही मजेदार बनती है ये नाश्ता। तो दोनों आलूओं को हमने छील लिया है, इसको अब हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। ज़्यादा महीन ग्रेट नहीं करना है इसको। तो इस नाश्ते को खा के आपका पेट तो भरेगा लेकिन मन नहीं भरने वाला है, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। तो ये हमने आलू ग्रेट कर लिए हैं दोनों, और अब इसको हम पानी से वॉश कर लेंगे बढ़िया से, इसके सारे स्टार्च निकाल देंगे आलूओं के। तो 2 से 3 पानी से इसको अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और इसको हम पानी में ही रहने देंगे तब तक। तो ये देखिए हमने साफ पानी में इसको रख दिया है, और चलिए अब अगला प्रोसेस करते हैं। और अब हम एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे, और ऑयल में हम आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे, इनको हम हल्का सा भून लेंगे। ये थोड़ा सा भुन जाए तब इसमें हम 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। ये हमने सफ़ेद वाले तिल लिए हैं, इससे हमारे नाश्ते का टेस्ट दोगुना हो जाता है। और 1 चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है, चिली फ्लेक्स भी बोल सकते हैं इसको आप। और अब इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे, और ये थोड़ा सा भून जाए तो अब हम 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। तो इसी कप से हमने 2 कप पानी डाल दिया, अब इसी कप से हम मेजरमेंट करेंगे। और अब हम 1 मुट्ठी हरा धनिया ले लेंगे और मिक्स कर लेंगे, पानी में 1 बॉयल आने देंगे। और अब हम जो आलू के लच्छे थे उसको हम डाल देंगे, एक उबाल आ जाए पानी में तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और इसके साथ साथ हम एक सामान और डालेंगे। तो इसके साथ साथ हम 1 कप इसमें सूजी डाल देंगे, 2 कप पानी है तो 1 कप सूजी डाल देंगे उसी कप से। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, पहले हमने नमक नहीं डाला है, मिक्स कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस में आंच को धीमा ही रखना है, और अच्छे से इसको हम मिलाते हुए कुक कर लेंगे। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस पानी सूखने तक इसको कुक करना है सूजी और आलू को। एक बार मेरे इस तरीके से नाश्ता बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगता है। तो पानी भी सूख चुका है सूजी और आलू का, देख सकते हैं। तो गैस को हम अब ऑफ कर देंगे इस स्टेज पे। गैस को हमने ऑफ कर दिया है, और अब हम एक थाली लेंगे, उसको उल्टा कर देंगे और उस पर 1 चम्मच ऑयल डाल के ग्रीस कर देंगे बढ़िया से, चारों तरफ फैला देंगे ऑयल को। और अब इसी पे हम वो जो बैटर बनाए थे उसको डाल देना है, आलू के मिक्स को डाल देना है, सूजी और आलू के मिक्स को। और अब इसको हम स्पैचुला की सहायता से फैला लेंगे, गर्मा गर्म इसको फैलाना है। चलिए हाथों की सहायता से इसको हम फैला लेते हैं बढ़िया से, और इसका हम एक शेप दे देंगे। ये देखिए स्क्वायर शेप हमने दे दिया है, और बहुत ही बढ़िया से चिकना इसको कर देना है।
और अब हम इसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। तो चलिए इसको 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देते हैं। तो ये देखिए अब हमारा ठंडा हो चुका है ये मिक्स, देख सकते हैं। तो अब हम इस पे कट लगा लेंगे। तो इसके लिए हमको शार्प नाइफ की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम कट लगा लेंगे, पीसेस को बड़े बड़े ही काटेंगे। तो इसी तरीके से सारे नाश्ते को कट कर लेना है। और अब इसको हम एक ट्रायंगल शेप दे देंगे इस तरीके से, देख सकते हैं। सारे नाश्ते पे इसी तरह कट लगा लेना है। चलिए निकाल के दिखा देते हैं, स्पैचुला से निकाल के इसको हम दिखा देते हैं। ये देखिए, तो ये नाश्ता अभी हमने हाफ कुक किया है। और चलिए अब इसको अलग अलग प्लेट में रख देते हैं। सारे नाश्ते को इसी तरह हमने निकाल के प्लेट में रख लिया है। और अब हम एक फ्राई पैन में तेल को गर्म कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो जाए तो इसमें हम नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसको सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद जब नाश्ता थोड़ा सा नीचे से कुक हो जाए तो हम दूसरे साइड से पलट लेंगे। ये देखिए, तो ये क्रिस्पी सा नाश्ता आप भी बना के जरूर देखिए, बहुत मज़ेदार लगता है ये। तो इसको हम गोल्डन ब्राउन आने तक इसको तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं हमारे नाश्ते। अब हम इसको झारे में निकाल लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो निकल जाए। तो लीजिए, हमारा एक बैच का नाश्ता रेडी हो गया है। इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं और इसी तरह हम सारा नाश्ता रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, बहुत ही मजेदार सा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। रेसिपी कैसी लगी गाइस, जरूर बताइएगा। ये क्रिस्पी नाश्ता आप भी जरूर ट्राई करिए और इसके साथ ही ये टेस्टी चटनी भी ट्राई करिए, बहुत मज़ेदार लगता है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए फ्रेंड्स। ये देखिए, हम तो इसको आप टेस्ट करके भी बताते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बना है, ये देख सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं गाइस एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइज़।